स्टार्टिंग में तो बड़ा ही मतलब जो फर्स्ट राउंड था जब आइडियल मैचेस को थ्रो करना था वो फेयर तो एक तो खेलते नहीं है वो तो उल्टी मैम ने खुद बोल दिया कि फेयर खेल लो यार तब भी नहीं फेयर खेला जा रहा उनसे ये क्या बात है क्या बात है हेलो गाइस दिस इज योर इनसाइडर आमिर हुसैन एंड वी आर डन विद आवर नेक्स्ट टास्क और हमारा विनर्स है देख लीजिए यार उन्नति भाई सब हंस रहे आज जीतते जीतते हार गया मैं अब मैं आ गई ना आज मेरे साथ परफॉर्मेंस आप लकी चाम हो उनके और मेरे को एक बात बोलो ये कनेक्शन ये टास्क के लिए बना है या सिर्फ आगे जाके अभी तो टास्क के लिए बना है डेट पे जाने के बाद पता चलेगा कि वाइब्स मैच हो रहे कि नहीं भाई स्ट्रेटजी क्या था तुम्हारा स्टार्टिंग में तो बड़ा ही मतलब जो फर्स्ट राउंड था जब आइडियल मैचेस को थ्रो करना था वो फेयर तो एक तो खेलते नहीं है वो तो उल्टी मैम ने खुद बोल दिया कि फेयर खेल लो यार तब भी नहीं फेयर खेला जा रहा उनसे मतलब लिटरली इनके पास पांच थे और बाकी लोगों के पास 11 थे हमने सारे पांच करे एक भी मिस नहीं किया और वो 11 वाले तीन तीन उठा रहे हैं जैसे ही गर्ल्स एंटर की ना तो फिर टास्क वन साइडेड हो गया पांच थे हमारे पास पांच के पांच अंदर और हम लोग की जब सारे एक साथ अंदर गए तो हमारे पास एक भी थ्रो नहीं हुआ सारे फेंक ही दिया था कि वो डाल रहे हैं वो खुद एम कर रहे हैं ऐसा लग रहा था आई मीन ऑफ कोर्स इट वाज द गर्ल्स इट वाज बायस बट तब भी क्या कर लिया यार तब भी क्या कर और अगर छड्डी बड्डी की बात करें दिग्विजय और लक्ष्य ये छड्डी बड्डी सिर्फ ये आज के टास्क के लिए था या आगे जाके नहीं नहीं आमिर ये ना फर्स्ट डे से है जब से हम मिले हैं और ये बहुत रियल बॉन्ड है नहीं ये नहीं है कि आज बोल दिया नहीं भाई तू साइड हो और कल बोल दिया हाँ आ जा ऐसा वाला बॉन्ड नहीं है बहुत रियल लेकिन बहुत इजी सी बात है मुझे झूठ पसंद नहीं और वो झूठ बोलता नहीं है हाँ, बात तो फिर बात ही खत्म हो जाती है क्या बात है रिश्ता है क्या बात है क्या बात है लेकिन अभी एक ट्विस्ट जो उर्फी ने डाला कि कल छट्टी बड्डी को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा उसके बारे में सोचे हो आप अभी तक नहीं अभी तो एंजॉय कर रहे हैं हम विन एंजॉय कर रहे हैं अभी डेट की बात करते हैं ना ये सब डेट की बात करते हैं अभी डेट रिलैक्स होना है लेकिन हम छट्टी बड्डी उस समय भी रहेंगे आगे भी रहेंगे और थे भी लेकिन कल अगर एक डिसीजन लेना पड़ा उसको इफेक्ट करेगा तुम्हारे दोस्ती को बिल्कुल भी नहीं दोस्ती को बिल्कुल इफेक्ट नहीं करेगा बिल्कुल भी नहीं करेगा बिकॉज मुझे पता है कि वो जाए चाहे मैं जाऊं हम दोनों एक दूसरे के लिए खेलने वाले हैं और जो भी कल सेफ हो जीत के वो दूसरे के को बचाएगा ये बात पक्की है तुम्हारा तो अभी डेट जाके और रिश्ता पक्का हो जाएगा फाइनली हम डेट पे जा रहे हैं उस दिन ही आइडल मैचेस ने डेट पे नहीं भेजा था ना बस दो ही दिन की बात थी फिर मौका आ गया हम देख रहे हैं कि आपको टास्क में बहुत लोग पोक भी कर रहे थे आज डेफिनेटली तो क्या ये जवाब टास्क स्टार्ट होने से पहले ही वो पोकिंग वगैरह शुरू हो गई थी इतनी और उन्होंने पूरी कोशिश की आइडल मैचेस के साथ मिलके कि भाई इनका इनके साथ मतलब बुरे से बुरा और ये हार वार जाए एंड थोड़ा सा कहीं फट भी रही थी एक टाइम पे कि यार पांच ही हैं बाकी सब पे 10-11 हैं बट बस उस टाइम एक ही था कि पांचों के पांचों उन्नति के दिल में डाल देने हैं आप दोनों का क्या है मतलब ये यार अभी तक ऐसा कि हम लोगों ने हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल हम दोनों दिल्ली से दिल्ली से तो एक पहली बॉन्ड छोटा बॉन्ड तो मैं भी दिल्ली से भाई अब देख यहाँ ट्राई नहीं हो गया बहुत ट्राई हो गया अब ट्राई हो गया बट हाँ तो अब ये ट्राई जो है हम दिल्ली से है बट ये कि एक पहली बॉन्ड तो पहले से बहुत ज्यादा म्यूचुअल फ्रेंड्स भी हम एग्जाइल से साथ में रहते हैं प्लस अब जो बॉन्ड बनने वाला आफ्टर डेट वो लेट्स सी कैसा होगा और मुझे लगता है प्यार ही होगा चारों एग्जाइल वाले जीते आज मैंने तो अभी नोटिस किया मैंने आज एग्जाइल वाले ने कमाल दिखा दिया आपने ताश में लेकिन जाने से पहले हमको एक विक्ट्री डांस तो दिखाओ कुछ ये MTV Spitzula 15.